स्वागत है आप सभी का मेरी एक न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीटस प्रेजेंटेशन के बारे में। एक्चुअली फीटस प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फीटस प्रेजेंटेशन की वीडियो। और इसके बारे में आपको बताऊंगी पूरे डिटेल में कि फीटस प्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए, जो प्रेजेंटेशन होता है इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। अगर हम उनको पढ़ लेंगे तो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम मेनली जान लेते हैं पहले लाई के बारे में कि लाई क्या होता है, चूँकि प्रेजेंटेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाई मीन्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। मीन्स जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस है एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये हम लाइव में पढ़ते हैं। इसमें मेनली थ्री पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल, सेकेंड है ऑब्लिक एंड थर्ड है ट्रांसवर्स। अब देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स है इसको हम कैसे पता करेंगे, जब हम लियोपोल्ड मैन्युअर होते हैं। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाई हुई है, अगर आपको देखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हंडल पाल्पेशन, उसमें ही हम देखते हैं कि जो बेबी होता है उसकी पोजिशन कैसे है, मीन्स वो लॉन्गिट्यूडनल है, ऑब्लिक है या फिर ट्रांसवर्स है। जैसे देखिए, अगर ये यूट्रस है, अगर बेबी का लाई लॉन्गिट्यूडनल है तो बेबी ऐसे होगा, अगर बेबी कलाई ऑब्लिक है तो बेबी ऐसे होगा, और अगर बेबी कलाई ट्रांसवर्स है तो बेबी ऐसे होगा। लाई में मेनली हम यही चीज़ें देखते हैं कि जो बेबी की स्थिति है वो कैसी है, जो मदर का यूट्रस है उसका और जो बेबी का लॉन्ग एक्सिस है उसका, दोनों का रिलेशनशिप क्या है। देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल है ये सबसे कॉमन टाइप होता है लाई का, मीन्स अधिकतर जो 99% केसेस होते हैं उसमें जो लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। लॉन्गिट्यूडनल में जो मदर का यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस होता है वो फीटस का लॉन्ग एक्सिस के समान होता है, मीन्स अगर ये मदर के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है तो फीटस की पोजिशनिंग भी ऐसी ही होगी, तो दोनों का जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडनल वाला लाई है वो 99% केसेस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ऑब्लिक के बारे में। ऑब्लिक लाई है ये यूट्रस में जो बेबी की पोजिशनिंग होती है वो 45 डिग्री एंगल पे होती है, मीन्स अगर हम सिंपली देख लें तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर बेबी ऐसे होगा तो 45 डिग्री एंगल पे ही होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्लिक की बात हम कर रहे हैं, अगर ऑब्लिक लाई है तो बेबी का जो पोजिशनिंग होगी वो 45 डिग्री एंगल पे होगी, जो यूट्रस होगी उसके अकॉर्डिंग। यूट्रस का ये लॉन्ग एक्सिस है और ये हमारा जो फीटस है उसका ऑब्लिक लाई है, तो ये हमने आपको बताया कि ये 45 डिग्री पे सिचुएटेड होगा। और जो ऑब्लिक लाई होता है ये 0.25 से लेके 0.50% तक पाया जाता है, मीन्स इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्स। देखिए, जो ट्रांसवर्स लाई होता है इसमें जो यूट्रस होता है, सपोज ये यूट्रस है, तो जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस होता है इससे जो बेबी का लॉन्ग एक्सिस होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। हमने आपको इसके पहले ही बताया था कि जो यूट्रस है, अगर यूट्रस में बेबी लॉन्गिट्यूडनल तो पोजिशनिंग ऐसी होगी, अगर ऑब्लिक है तो ये होगी और अगर ट्रांसवर्स है तो ये होगी। तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं जान सकते हैं कि अगर बेबी ट्रांसवर्स है तो ये पोजिशनिंग होगी, मीन्स बेबी 90 डिग्री के एंगल पे बेबी लाई होगा, और अगर बेबी की पोजिशनिंग ये ऑब्लिक वाली है तो बेबी 45 डिग्री एंगल पे लाई होगा, और अगर बेबी की पोजिशनिंग लॉन्गिट्यूडनल है तो बेबी जो है वो पूरी तरह से लॉन्ग एक्सिस जो यूट्रस का है उसकी लेवल पे होगा। तो यहाँ पे इजीली हमने देख लिया कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो किस टाइप होता है, ऑब्लिक जो है वो कैसे होता है, और जो ट्रांसवर्स है वो कैसे होता है। ट्रांसवर्स का जो परसेंटेज होता है वो 0.25 से लेके
0.50% तक पाया जाता है। मीन्स ये जो ऑब्लिक और ट्रांसवर्स का परसेंटेज है वो दोनों सेम है, मतलब ये बहुत ही कम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में एटीट्यूड का भी रोल होता है। तो देखिए, एटीट्यूड मीन्स होता है रिलेशन ऑफ फीटल हेड एंड लिम्ब ट्रंक शुड बी वन ऑफ फ्लेक्शन। मीन्स जो बेबी का हेड है, लिम्ब है और ट्रंक है, ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्लेक्स होने चाहिए। वही जो रिलेशनशिप होता है वो एटीट्यूड में देखा जाता है। जैसे द फीटस कर्व्ड अप विद चिन ऑन चेस्ट एंड आर्म लेग्स वेल फ्लेक्स्ड फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट मास। देखिए अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मतलब कि जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड में हम देखते हैं कि जो बेबी है उसका फ्लेक्शन कितना हुआ है। मींस जो बेबी का हेड है, ट्रंक है, नेक है, चेस्ट है, लिम्स हैं, लिम्स में जो लेग्स हैं एंड हैंड्स हैं, उनका फ्लेक्शन कितना हुआ है। अगर बेबी का बिल फ्लैक्स अगर बेबी बिल फ्लैक्स्ड हुआ है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कम्पैक्ट मास लाइक हमको फील होगा। सपोज दैट कि ये बेबी का हेड है और ये बेबी का बॉडी पार्ट है। तो देखा आपने कि अगर बेबी बिल फ्लैक्स्ड है तो जो ये चिन वाला पार्ट होगा ये चेस्ट वाले पार्ट से पूरी तरह से जुड़ा होगा, और जो बेबी के लिम्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे बेल फ्लैक्स्ड होंगे। तो बेबी का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक कम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे आप बिजली देख सकते हैं फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे ये बात इंडिकेट कर रहा है कि अगर जो एटीट्यूड है इसके थ्रू बस हम यही देखते हैं कि जो बेबी का फ्लैक्शन है वो कितना हुआ है। बेबी का जो हेड है, चिन है, ट्रंक है, चेस्ट है एंड लिम्स है, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, क्योंकि जब भी प्रेजेंटेशन हम देखेंगे उस समय डिनोमिनेटर की भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम फीटस प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं उस समय। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच इंडिकेट और डिटरमाइन द पोजिशनिंग ऑफ फीटस। मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है वो प्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट होता है। डिनोमिनेटर के थ्रू जो बेबी की पोजिशनिंग होती है उसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हम फीटस प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम पोजिशनिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पोजिशनिंग को हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमको डिनोमिनेटर जानना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो तो हम जानेंगे कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, लेकिन कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। द पार्ट ऑफ फीटस दैट लाइज एट पेल्विक ब्रिम और इन द लोअर पार्ट्स ऑफ यूट्रस। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फीटस का वह पार्ट जो पेल्विक ब्रिम या फिर जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का उसमें आके लाई हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब कौन सा पार्ट आके लाई हो रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत टाइप्स के होते हैं और प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जिसमें हम देखेंगे वर्टेक्स
प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन फेस प्रेजेंटेशन शोल्डर प्रेजेंटेशन एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। तो ये मेनली फाइव प्रेजेंटेशन है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंटेशन और यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो देखिए प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम देखेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है ऑक्सीपिट होता है। अब कैसे देखिए, मान लीजिए बेबी का फीटर, ये फीटर हेड है, ये बेबी का फीटर हेड है, ये बेबी है। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऑक्सीपिट वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है ऑक्सीपिट। ये जो पार्ट यहाँ से आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है वर्टिक्स। जो वर्टिक्स होता है वो एंटीरियर फ्रंटल से लेके एंटीरियर फ्रंटल से लेके जो पोस्टीरियर फ्रंटल होता है वहां तक होता है। मतलब एंटीरियर फ्रंटल से लेके पोस्टीरियर फ्रंटल तक का जो पार्ट होता है उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो जो वर्टेक्स होता है वही प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है। तो जब भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर किसी फीमेल का पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उस समय उसको ऑक्सीपिट वाला पार्ट समझ में आता है, तो वो समझ जाती है कि जो बेबी है उसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ऑक्सीपिट का यही डिनोमिनेटर के तौर पे फील होता है। और जब वो ऑक्सीपिट वाला पार्ट फील होता है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। तो जब भी ऑक्सीपिट वाला पार्ट डिनोमिनेटर होगा तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तभी होता है जब बेबी बेल फ्लैश्ड होता है। अगर बेबी बेल फ्लैश्ड होगा तो जो बेबी का चिन है, जितना ज़्यादा बेबी फ्लैश्ड होगा बेबी का चिन उतना ही ज़्यादा उसके चेस्ट से अटैच होगा। क्योंकि अगर सिंपली हमें देखने कि अगर ये हमारा चेस्ट, हमारी ये चिन है और ये हमारा चेस्ट है, तो अगर हम चिन को चेस्ट के साथ अटैच करते ही यूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये उतना ही फ्लैक्स होकर उभर के आता है। मीन्स अगर ये बेबी है और ये जितना ज़्यादा इसका चिन वाला पार्ट फ्लैक्स्ड होगा उसके चेस्ट से उसका अटैचमेंट होगा उतना ज़्यादा ही बेबी का फ्लेक्शन माना जाएगा। यहाँ पे बेबी बेल फ्लेक्स्ड हो रहा है तो इसका जो चिन वाला पार्ट है वो चेस्ट वाले पार्ट से अटैच हो रहा है। साथ ही इसके जो लिम्ब्स हैं वो भी पूरी तरह से फ्लेक्स्ड हो गए हैं और ये एक कम्पैक्ट मास लाइक इसका स्ट्रक्चर बन गया है। तो अगर वर्टिक्स प्रेजेंटेशन है तो बेबी का जो हेड होता है वो बेल फ्लैश्ड होगा, तभी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन माना जाएगा। और अगर पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू हमको जो डिनोमिनेटर है वो ऑक्सीपिट डिटरमाइन हो रहा है, इसका मतलब कि जो बेबी है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स है। ये जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है इसी को सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। अगर कहीं पे भी आता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है इसी को सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो जो सिफेल वर्टेक्स या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है ये 96-97% केसेस इसके पाए जाते हैं। मीन्स अधिकतर जो प्रेजेंटेशन होता है डिलीवरी के समय वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। 96-97% जो प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। हम देखेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन देखिए, ब्रिज प्रेजेंटेशन को एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पोडैलिक प्रेजेंटेशन। मीन्स अगर कहीं पे भी पोडैलिक प्रेजेंटेशन आ रहा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जो पोडैलिक प्रेजेंटेशन होता है उसी को ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं।
ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक टाइप का माल प्रेजेंटेशन होता है। देखिए जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो उस समय जो पेल्विक होता है, सपोज दैट ये पेल्विक है, चलिए इसको हमने पेल्विक मान लिया, तो अगर यहाँ पे बेबी आ रहा है तो जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पे बेबी का हेड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बेबी का हेड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ पे हेड प्रेजेंट ना होके बेबी का सैक्रम होता है, मीन्स जो बेबी है वो जस्ट अपोजिट होगा, जो बेबी का हेड है वो इस तरफ होगा और जो बेबी का सैक्रम वाला पार्ट है वो इस तरफ होगा, मीन्स जस्ट बेबी अपोजिट हो जा रहा है। जब बेबी यहाँ पे ब्रिज प्रेजेंटेशन में उसका प्रेजेंटिंग पार्ट सैक्रम है, इसको माल प्रेजेंटेशन बोला जा रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिनोमिनेटर की कि कौन सा डिनोमिनेटर होगा, तो देखिए जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सैक्रम हो जाएगा डिनोमिनेटर, और जो प्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा ब्रिज, मतलब जो जस्ट अपोजिट है वर्टेक्स के। वर्टेक्स में हेड डाउन साइड होता है पेल्विक ब्रिम में, और जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो सैक्रम वाला पार्ट जो होता है वो ब्रिम में होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सैक्रम होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन में, और ब्रिज प्रेजेंटेशन का जो परसेंटेज है वो 3% होता है। हमने आपको बताया कि जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है वो 96 से लेकर 97% तक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पाया जाता है, लेकिन जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है जो माल प्रेजेंटेशन में आता है ये 3% पाया जाता है, और उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सैक्रम होता है। बेबी की जो पोजिशनिंग होती है पेल्विक ब्रिम में वो जस्ट अपोजिट होती है वर्टेक्स के अलावा, जो वर्टेक्स होता है इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट ऑक्सीपिट होता है, लेकिन जब ब्रिज प्रेजेंटेशन आता है तो उसमें जो बेबी होता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट सैक्रम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन देखिए, फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो पेल्विक ब्रिम होती है उसके लोअर पोल में बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो फेस होता है, मतलब फेस आके लाइव होता है। अब अगर इसका डिनोमिनेटर देखें कि डिनोमिनेटर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो मेंटम होता है, मेंटम मतलब चिन, चिन का जो ये वाला पार्ट होता है इसी को हम मेंटम बोलते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो मेंटम होता है, ये पेल्विक ब्रिम है, देखिए ये पेल्विक ब्रिम हो गई, और पेल्विक ब्रिम में जब बेबी आके लाई होता है तो उस समय यहाँ पे बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो चिन होगा, मींस जो बेबी का ऑक्सीपिट वाला पार्ट होगा वो ये ऐसे होगा, और ये बेबी का फेस, और यहाँ पे बेबी का चिन हो जाएगा, तो ऐसे बेबी का प्रेजेंटेशन रहेगा यूं। तो आपने देखा कि जो बेबी का प्रेजेंटेशन है वो जस्ट एक ऑब्लिक जैसे दिख रहा है, अगर बेबी लॉन्गिट्यूडनल होता तो ऐसे होता, लॉन्गिट्यूडनल में बेबी की पोजिशनिंग ऐसे रहती, लेकिन यहाँ पे देखिए बेबी ऐसे दिख रहा है, मीन्स ये ऑब्लिक लाइक दिख रहा है, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का वो चिन है। अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट चिन है तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीपिट है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट ऑक्सीपिट होता तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है प्रेजेंट है वो मेंटम है, चिन है, इसलिए जो बेबी का प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन में गिना जाएगा, क्योंकि बेबी का यहाँ फेस तो प्रेजेंट है लेकिन जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय डिनोमिनेटर के तौर पे हमको मेंटम फील होता है, इसीलिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बेबी का प्रेजेंटेशन जो है वो फेस प्रेजेंटेशन है। जो फेस प्रेजेंटेशन होता है ये कब होता है, जब बेबी का फ्लेक्शन बेल फ्लैक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर बेबी बेल फ्लैक्स्ड होता, अगर बेबी बेल फ्लैक्स्ड होता तो जो बेबी का हेड है ये पूरी तरह से फ्लैक्स्ड होकर चिन से अटैच होता, लेकिन यहाँ पे लेकिन बेबी का जो चिन है ये यहाँ पे है, इसका मतलब कि बेबी बेल फ्लैक्स्ड नहीं है, अगर बेल फ्लैक्स्ड होता तो चिन वाला पार्ट चेस्ट वाले पार्ट से अटैच होता,
लेकिन फ्लैट नहीं है, इसीलिए बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन में आ रहा है। तो आप इससे आप इजीली देख सकते हैं, अगर बेबी वेल फ्लैश्ड है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, अगर बेबी की जो पोजिशनिंग है अपोजिट है तो वहाँ पे बीज प्रेजेंटेशन होगा, अगर बेबी की जो पोजिशनिंग है वो ऑब्लिक है तो बेबी का मे बी जो फेस प्रेजेंटेशन है वो होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया फेस प्रेजेंटेशन के बारे में, हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन को इंटरवर्स प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, और जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है ये लगभग 50% पाया जाता है, और ये टाइप्स होता है माल प्रेजेंटेशन का। शोल्डर प्रेजेंटेशन जो होता है ये एक टाइप होता है माल प्रेजेंटेशन का, और इसमें जो डिनोमिनेटर होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो देखा आपने कि जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है इसका जो रेशियो होता है वो 50% होता है, मीन 50% केसेस में शोल्डर प्रेजेंटेशन पाया जाता है, और ये इसको इंटरवर्स प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये एक माल प्रेजेंटेशन का ही एक टाइप्स होता है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी प्रेजेंटेशन हैं वो सभी माल प्रेजेंटेशन में ही आते हैं। अब क्यों आते हैं ये भी हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर होता है अक्रोमियन प्रोसेस। हम फिगर के समझ लेते हैं, मान लीजिए ये पेल्विक ब्रिम है, अगर बेबी यहाँ पे आके लाई होता है, ये जो पेल्विक ब्रिम है बेबी यहाँ आके लाई होता है, तो हम देख रहे हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन, और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो बेबी की पोजिशनिंग होगी वो ऐसे होगी, ये बेबी का हेड है और बेबी ऐसे होगा, मीन्स ये बेबी का हेड है, ये बेबी का सैक्रम वाला पार्ट है, और यहाँ पे बेबी का शोल्डर वाला पार्ट है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए आपने जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ये शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है डिनोमिनेटर है वो एक्रोमियन प्रोसेस है। जब भी हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो एक्रोमियन प्रोसेस है, मीन्स जो प्रेजेंटेशन है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ आप इजली जान सकते हैं कि जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है अगर उसमें पेल्विक एग्जामिनेशन के समय हमको एक्रोमियन प्रोसेस डिनोमिनेटर के तौर पे फील हो रहा है, मींस जो प्रेजेंटेशन है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, उसमें जो बेबी की पोजीशनिंग होगी वो ट्रांसवर्स होगी, बिल्कुल ऐसे होगी। अब हम देखेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन के बारे में। ब्रो प्रेजेंटेशन देखिए, जो ब्रो प्रेजेंटेशन होता है ये जस्ट लाइक फेस प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है, जैसे फेस प्रेजेंटेशन होता है उसी तरह से ब्रो प्रेजेंटेशन भी होता है। ये अगर बेबी का स्कल है, सपोज ये बेबी का स्कल है, हेड है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इतने पार्ट को हम बोलते हैं फेस, और इस पार्ट को बोलते हैं ब्रो। और मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर फ्रंटानल होता है, एंटीरियर फ्रंटानल से लेकर जो पोस्टीरियर फ्रंटानल होता है वहां तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो इतना पार्ट हमारा हो गया वर्टेक्स। अब जो ये पीछे वाला पार्ट बचा है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिट। तो देख लिया आपने कि जो भी अभी तक हमने जितने भी प्रेजेंटेशन पढ़े उसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ा उसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट था वो ऑक्सीपिट था, ऑक्सीपिट हमारा डिनोमिनेटर था, प्रेजेंटिंग पार्ट था, और जो प्रेजेंटेशन था वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन था। फिर हमने पढ़ा फेस प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे थे तो हमको मेंटम वाला पार्ट फील हो रहा था, मीन्स जो डिनोमिनेटर था वो मेंटम था, जिससे हम जान गए कि जो प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ब्रो प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा ब्रो प्रेजेंटेशन में वो फोर हेड होगा।
फोर हेड होगा। तो जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, अगर हमको डिनोमिनेटर के तौर पे फोर हेड डिटरमाइन हो रहा है, इसका मतलब कि जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन ब्रो प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हमने इजली देख लिया कि जो फेस प्रेजेंटेशन है और ब्रो प्रेजेंटेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब अभी तक जितने भी प्रेजेंटेशन हमने पढ़े, इसको हम एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, जिससे हम कभी इसको भूलेंगे नहीं, और जो डिनोमिनेटर है उनको भी, प्रेजेंटेशन एंड डिनोमिनेटर। तो प्रेजेंटेशन अगर वर्टेक्स है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपिट। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंटेशन ब्रीच है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा सैक्रम। आई होप कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है जो भी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो कौन सा डिनोमिनेटर होगा? मेंटम डिनोमिनेटर होगा। नेक्स्ट, अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो फिर कौन सा पार्ट डिनोमिनेटर होगा? एक्रोमियन प्रोसेस डिनोमिनेटर होगा। नेक्स्ट, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो फिर कौन सा पार्ट डिनोमिनेटर होगा? जी हाँ, फोरहेड डिनोमिनेटर होगा, फोरहेड। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन है वो कौन कौन से हैं, और प्रेजेंटेशन के अनुसार जो डिनोमिनेटर होते हैं वो कौन है। अगर हम डिनोमिनेटर याद कर लेते हैं तो हम प्रेजेंटेशन को भी याद कर पाएंगे, और अगर प्रेजेंटेशन याद है तो फिर डिनोमिनेटर भी हमको अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे कभी भी मिस्टेक नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है आपको प्रेजेंटेशन के बारे में समझाने की, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की, फिगर के थ्रू समझाने की, जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।